को झुकाने के लिए हम एक ऐसे कलाकार को बुलाने वाले हैं जिनकी आवाज मुझे लगता है कि इबादत की आवाज है, क्योंकि जब ये गाते हैं तो लगता है कि वो सुनता होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मीरा की मार्फत उसे यहाँ बुलाते हैं, हम इनके मार्फत उसे यहाँ बुलाते हैं। इट डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन, द मैन दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस ओवर हियर, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन वन ऑफ द लेजेंडरी सिंगर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, अनूप जलोटा जी। सर आप इसे शुरुआत ये अदा जी का कमाल ये है कि जो कंट्रोल इंग्लिश पे है वो हिंदी में है, वही उर्दू पे है। उर्दू भी कितना सही है, बहुत बड़ी बात है कि तीन लैंग्वेजेस पे इतना कंट्रोल, यही हिंदुत्व में सिखाता है, यही सिखाता है कि हम अपने धर्म का सम्मान करें लेकिन दूसरे के धर्म का आदर करें। हम अपनी मां की पूजा करें लेकिन दूसरे की मां का आदर करें। सुभाष भाई साहब आप बीच में आए, एक बार जोरदार तालियां सुभाष भाई साहब आए हैं। एक बार फिल्मफेयर अवार्ड्स ने जो सर्वोच्च अवार्ड दिया वो सुभाष भाई साहब को दिया, मैं सामने बैठा देख रहा था। आपका हक है, आपको ये मिलना चाहिए। तो हिंदुत्व में यही बात कही गई है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब किस तरह मोहब्बत से रह सकते हैं। आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये कंफ्यूजन क्लियर होते हैं कि ये तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं, यही आपको इस फिल्म में नजर आएगा। मैंने भी इसमें एक छोटा सा रोल किया है जो करण राजदान जी को बहुत तकलीफ हुई कराने में, तो मुझको भी बार बार एक्टिंग करना पड़ा क्योंकि मुझे एक्टिंग आती नहीं करनी, लेकिन इन्होंने करवा ही लिया ठीक था। और गाना जो इसमें है वो मैंने ओम जय जगदीश हरी एक नए स्वरूप में गाया है जो आपको अच्छा लगेगा। तो मैं आज शुरुआत कर रहा हूं गणपति वंदन से, क्योंकि वही समय तो चल रहा है। जय गणपति जय गणनायक, जय गणेश जय गणेश, जय गणपति जय गणनायक, जय गणेश जय गणेश, जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, है मूषक वाहन तेरो तेरा ही रूप सुहाना, तेरा पूजन हर पूजन में सबसे पहले फलदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। बोलो गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। सर दो मिनट रुक जाइए, देखिए अनुज जी आपको हम बचपन से सुनते आए, इतना खूबसूरत गाते, पर ये इतने प्यारे इंसान हैं, इतने खूबसूरत इंसान हैं। मुझसे मनोज मुंतशिर मिले थे तो वो आपका किस्सा बता रहे थे कि तब मनोज जी बिल्कुल नया नया स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत साल उन्होंने काफी बहुत बहुत कड़ा वक्त देखा, और ऐसे में समहाउ वो इनसे कनेक्ट हुए और उन्होंने कहा भी तुम एक भजन लिख कर दो मुझे, आई रिमेम्बर दैट, एंड ही वाज सेइंग दैट मैं तो चला गया, मुझे लगा मतलब मैं क्या ही कर लूंगा, ये मुझे क्या बोल देंगे, लिखने को क्या होगा। Whatever that he wrote, he took it and Manoj ji didn't even expect the check he wrote for him. At that time, जब आसानी से कह दिया जाता है कलाकारों को मुफ्त में लिख कर दो, that is what you need to do. तुम्हें चांस दे रहे हैं हम. He is one man who has respected Vidya, Saraswati and Kala so much. I think we should give a huge round of applause for him. Thank you so much, Anu. Thank you. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. देखना जरा दोस्तों,
देखना जरा दोस्तों, रहना जरा संभाल के, बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। और ये हाल है अब हमारी इंडस्ट्री का। आप अच्छे से जानते हैं क्या फिल्में बन रही हैं, सब कुछ बिक रहा है। और ऐसे में जब एक ऐसा डायरेक्टर आता है, ऐसे फिल्म मेकर्स आते हैं जो ऑथेंटिक काम करते हैं, एंड टू डू ऑथेंटिक वर्क, नहीं कोई बात नहीं, आप पहले बहुत जगह आप यूट्यूब भी आ सकते हैं, प्लीज कम। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही फिल्म मेकर की, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत की। सबसे पहले आपने इन एक्सपीरियंस किया था एज ए राइटर इन द मेगा हिट शो कॉल रजनी, उसके बाद दिल वाले दिल जले जैसे कई मूवीज लिखी, एंड देन ही मेड हिज डेब्यू एज अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर इन अ शो कॉल तहकीकात, जो कि एक साथ जी टीवी, स्टार प्लस और दूरदर्शन पर बताया गया। उसके बाद मैंने कई फिल्में लिखी हैं जैसे कि दुश्मन त्रिमूर्ति, कयामत, फिर इनकी एक मूवी आई गर्लफ्रेंड जो कि बहुत चर्चा में रही। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मैन, बिकॉज उन्होंने समाज के उस हिस्से को हाथ लगाया जैसे कोई भी फिल्म मेकर हाथ लगाने को तैयार नहीं था। बट देन ही इज नॉट द मैन हू गेट्स स्केयर्ड, ही कॉल्स स्पेड अ स्पेड, एंड दैट इज व्हाई ही हैज बीन हियर। इन्होंने उसके बाद उमर लिखी, भट्टी की छुट्टी लिखी, इसकी एक बहुत प्यारा इंसिडेंट है। भट्टी की छुट्टी का एक 4 से 5 मिनट का क्लिप जो है बताया गया था, श्री अमिताभ बच्चन जी को दिखाया गया, तो उन्होंने सामने से कहा कि मैं इस फिल्म का हिस्सा होना चाहता हूं, एंड दैट इज हाउ वी एंडेड अप मेकिंग अ स्पेशल अपीयरेंस इन द फिल्म। लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, एंड टुडे ही इज हियर टचिंग दैट वन वर्ड, वो एक लफ्ज जो कि 2020-21-22 में हम सबकी डिक्शनरी में शामिल हुआ। Yes, I'm talking about the most loved word by some, most revered word by some, and definitely one of the most controversial word. We are talking about Hindutva, and he is the man who had the courage to bring it to the fore. Ladies and gentlemen, please put your hands together for none other than the very, very, very talented producer, and here in this case, director and writer of Hindutva, Mr. Karan Vasdan. Very good evening. Can we have one more mic also, please? Can we get the mic? Thank you. So, Karan ji, I know Karan since I think ages now, kuch 15 saal ho gaye hain, and this man, on screen, off screen, in public, personally, he's the same. One of the most genuine people that I've met. He doesn't care, he calls spade a spade. And that is what we love him for. So, we are going to give it over to you with a question. ये जो गाना भी आज रिलीज होने वाला है हिंदुत्व, ये क्यों चुना? गाना रिलीज हो चुका है और वो बहुत जल्द हम ऑडियंस को दिखाने वाले हैं। सो द म्यूजिक एक्चुअली हैज बीन लॉन्च्ड बाय जी, एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो अभी आप गाना देखने जा रहे हैं इसके पीछे भी एक कहानी है, और मैं इसके लिए श्वेता जी को और रविशंकर को स्टेज पे इनवाइट करता हूँ। आई हर्ड दिस सॉन्ग, दिस इज गोइंग टू बी अ रेज ऑफ द ईयर लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। हमारे साथ है रविशंकर जी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, श्वेता राज इज द लिरिसिस्ट ऑफ द सॉन्ग। तो मैंने जब इससे पहली बार कहा कि मेरे जहन में एक फिल्म है हिंदुत्व, तो मैंने कहा कि तुमने तो इतने सारे भजन लिखे हैं कृष्णा में, हनुमान में, तो इसका टाइटल सॉन्ग लिख लोगी? मुझे एक बात की आश्वासन था, एक बात का आश्वासन था कि सतीश कौशिक जी की फिल्म में कागज में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा था, और मैं वो जानता था कि अगर आप एक खूबसूरत गाना लिख सकते हैं तो आप कई खूबसूरत गाने लिख सकते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि हिंदुत्व का टाइटल सॉन्ग लिख पाओगी? तो अब इन्होंने क्या सोचा, ये अब इन्हीं को माइक देता हूँ, ये बताइए। हेलो, सो जब सर ने मुझे बोला कि आपको मैं जब बाबा क्या कहा था हनुमान जय श्री राम,
और परम अवतार श्री कृष्णा, ये शो टीवी शो लिख रही थी। देन करण जी का मुलाकात हुआ मुझसे और मैंने गाने सुनाए तो बहुत पसंद आए। उसके बाद फिर हमने एक और करण जी एक और डॉक्टर ड्रामा को बना रहे थे, शिव तंत्रा। शिव तंत्रा में मैंने एक भजन लिखा तो वो भी अच्छा लगा। देन फिर हमने काफी सारे टेम्पल्स में शूटिंग की शिव तंत्रा की। उसी दौरान करण जी ने मुझे बोला कि आप हिंदुत्व के गीत एक बार कोशिश कीजिए। देन मैंने फिर वो उसका ना काफिया मिलना बहुत मुश्किल था। आप अगर हिंदुत्व का काफिया ढूंढेंगे तो बड़ा मुश्किल था। तो मैंने फिर जब अस्तित्व ढूंढ लिया तो फिर हिंदुत्व मिल गया। क्या बात है, क्या बात है, that's a right to speaking। तो फिर मैंने इसके बाद फिर गीत आगे बढ़ता चला गया और हमने मेरे पूरा गाना कम्प्लीट किया। So, उसके बाद इन्होंने मुझे मिलवाया रविशंकर जी से। तो रविशंकर को मैंने कहा कि भाई आपको हिंदी तो बहुत ज्यादा नहीं आती है, आपने राम गोपाल वर्मा की कुछ फिल्में उनमें म्यूजिक दिया है, चाहे वो हिंदी हो चाहे तेलुगु। तो मैंने कहा ये गाना है, अब इसका क्या करना चाहेंगे आप? तो मैं चाहता हूँ कि दो मिनट में आप कुछ बोलना चाहें। Even if it's in English, it's okay. I would like to thank to everyone, please. And सब लोग इधर बड़ा बड़ा लोग हैं, बट मुझे अभी करण जी बोला था, बट ये सॉन्ग मुझे एक इंस्पिरेशन दिया, बिकॉज हिंदुत्व मीन्स सबका दिल में होता है, हिंदुत्व मतलब अपना दिल में आ जाएगा, गाना को कुछ ना कुछ करना है, लाइक दैट ये गाना अपने शुरू किया। बट इसको मैं करण जी को क्यों थैंक्स बोलना चाहता हूँ, मुझे से मैं सरकार थ्री किया था अमिताभ बच्चन साहब से, वो उसी टाइम आई हैव बीन वर्क्ड विद सो मेनी फिल्म्स आरजीबी एंड सरकार थ्री शुरू हो रहा है। सरकार थ्री शुरू करने के बाद मैंने भी वो फिल्म कैसे भी करना है, बट मौका इतना बड़ा फिल्म मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा मैं सोच रहा हूँ, बट वन डे आरजीबी केम एंड वी हैव टू डू वन सॉन्ग इन सरकार थ्री शेटर। देन सरकार थ्री गाना मैं शुरू किया, उधर से पूरा सरकार थ्री कम्प्लीट फिनिश किया। देन वो सॉन्ग फर्स्ट गाना मैंने क्या गाना किया, वो गाना इमीडिएटली आरजीबी सर ने बच्चन साहब को भेजा था, बच्चन साहब उधर से मैसेज दिया, दिस इज सॉन्ग फैंटास्टिक अल्टीमेट। देन दैट इज द माई फर्स्ट माई स्टोन लाइक दैट। आफ्टर करण जी मेरे ऑफिस को आया था, शंकर लाइक दैट दिस हिंदुत्व गाना करना है, बट दैट इज आई एम विद आरजीबी, मुझे तेलुगु में बात चलते रहेगा, बट इधर करण जी से बात तेलुगु नहीं है, तेलुगु में नहीं होती, बट पूरा हिंदी है। बट दिस इज माई मेन चैलेंज टू डू, हाउ टू डू, बट मैंने थोड़ा टाइम लिया, बट करण जी सेम लाइक दैट हाउ बच्चन साहब ने मुझे मैसेज आया, बच्चन साहब से गाना इतना अच्छा लाइक दैट करण जी व्हेन ही हियर दैट सॉन्ग इमीडिएटली शंकर यू डन वेरी गुड। अरे मैं इतना डर है ये गाना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट यू डन वेरी एंड ही सेंड हिज फ्रेंड्स एंड हिज कोलीग्स एंड एवरीबॉडी नेक्स्ट डे आल्सो शंकर यू मेड वेरी गुड सॉन्ग। देन बाद में अपने पूरा इस गाना के लिए कौन का सिंगर का डिस्कस किया, डेवलपमेंटी ने इतना अच्छा गाया इसीलिए अपने को इतना अच्छा आउटपुट मिला। एंड श्वेता आल्सो गाना में बहुत फोनेटिक साउंड्स आल्सो अच्छा अच्छा सॉन्ग है, बट वी अपने ये मेनली ये हिंदुत्व से वी आर कमिंग विथ एवेंजर्स हो एवेंजर्स म्यूजिक एवेंजर्स कंपोनी है पद्मश्री अनुज श्री एंड डलरमन पाजी एंड मधुश्री जी इज ए वेरी पॉपुलर सिंगर एंड अल्टीमेट सिंगर एंड मास्टर सलीम थैंक यू सो मच। मुझे करण जी मैं मेरा लाइफ टाइम में आपको इतना अच्छा किया, बट मैं कितना कैसे बोला आप ही डिसाइड करो। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है विदाउट एनी डिले ये श्वेता का चैलेंज कि मैंने कहा हिंदुत्व को 5 मिनट में डिफाइन करो वो गाना होगा। अब आप देख सकते हैं आज रिलीज हुआ है, ये अभी अभी हुआ है, प्लीज देखिए ये गाना। Ladies and gentlemen, for the first time on stage, we have a good for you. Thank you.